नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। संचालक गौरव अग्रवाल द्वारा संचालित सानिध्य कोचिंग सेंटर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हुए पाए जाने पर एसडीएम बालाघाट श्री अक्षय त्रेमरावर द्वारा कार्यवाही करते हुए कोचिंग संस्थान को सील बंद किया गया और अधिकृत कर्मचारी को कोचिंग संचालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। शासन के आदेश है कि अभी अनलॉक वन में कोई भी कोचिंग संस्थान, स्कूल और जहाँ भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है वो सभी बंद रखने हैं। आदेश का पालन न करते हुए सानिध्य कोचिंग में बच्चों को कोचिंग क्लास चल रही थी। वहाँ पे लगभग 20-25 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। हम जहाँ सवेरे गए मौके पे निरीक्षण किया, हमने पाया कि लगभग 25 बच्चों को उनके एक टीचर क्लास दे रहे थे। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था, मास्क वगैरह नहीं लगाया गया था और भी सारी जो नॉर्म्स हैं वो उनका पालन नहीं किया गया और शासन के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। इसके संबंध में हमने जो कोचिंग संस्थान है उसको सील कर दिया है और इसके अलावा लगभग 5-6 और कोचिंगों का निरीक्षण किया। बाकी सारी कोचिंगें बंद पाई गई, कहीं पर भी कोई कोचिंग संस्थान बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही।